राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आयो अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रिया, प्रिया विद खाना में आपका स्वागत है। हर रोज़ की तरह मैं लाई हूँ कुछ खास। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड की बहुत ही बढ़िया रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को देखने से पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चाशनी बनाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे चीनी। चीनी हमने एक कटोरी तक ली है। ब्रेड का बहुत ही अच्छा सा स्वीट बनता है। और उतना ही है नाप के हम एक कटोरी तक पानी डालेंगे। एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, चाशनी थोड़ी पतली ही बनानी है। इसको चलाते रहेंगे, गैस को ऑन कर रखा है। हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर किसी पर भी कर लें, बस लो फ्लेम पर ना करें। अगर जल्दी हाई फ्लेम पर कर लेंगे तो जल्दी से बन जाएगी। तो इसको मिक्स कर लेते हैं, चीनी को अच्छी तरह से घोल लेते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर मिलाएंगे। कलर लाने के लिए थोड़ा सा ही मिलाना है फूड कलर। अगर ज़्यादा डाल देंगे ना एक चम्मच तक, तो बहुत ज़्यादा येलो येलो हो जाएगा। कोई सा भी कलर का लेने, फूड कलर हमने यहाँ पर येलो कलर का लिया है। और चीनी भी देखिए घुलने लग गई है। तो जब तक यहाँ पर चाशनी बन रही है, हम यहाँ पर ब्रेड काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ले ली है। ब्रेड बिल्कुल नॉर्मल वाली है और छोटी वाली है, आप कोई सी भी ले लें। इसको हम इस तरीके से, मैंने यहाँ पर एक छोटा ग्लास लिया है, इसकी हेल्प से चारों तरफ इसको काट लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इसको निकाल लेते हैं, इसको साइड में रखेंगे। इसी तरीके से हम सभी काट लेंगे। ब्रेड से बहुत ही अच्छा स्वीट बनता है, आप ज़रूर ट्राई करें एक बार। बहुत ही टेस्टी बन जाता है और फटाफट से बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो हमने सोचा आप तक ये रेसिपी शेयर करें, आप भी फटाफट से अपने घर में तो जल्दी इसे बना लें। कुछ मीठा खाने का मन हो तो इसको ईज़िली बना सकते हैं। तो फटाफट से हम सारे ब्रेड काट लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी ब्रेड्स को काट लिया है गोल शेप में। चाशनी को देख लेते हैं। चाशनी देखिए यहाँ पर खोलने लग गई है, चीनी भी अच्छी तरीके से घुल चुकी है, देख लेते हैं। चिपकने लग गई है चाशनी, जो चीनी थी। थोड़ा आराम से देखें, दो मिनट तक अच्छी तरह से खोलाने के बाद हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे। उसको देख लेंगे चाशनी परफेक्ट बनी या नहीं। और हाई फ्लेम पर हम इसको खोला रहे हैं। दो मिनट खोलने के बाद यहाँ पर चाशनी एकदम परफेक्ट बन गई है, देख लें। यहाँ पर चिपकने लग गई है, थोड़ा आराम से देखें। तो अब हम यहाँ पर गैस को करेंगे बंद, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी है। गैस को हमने यहाँ पर बंद कर दिया है, इसको थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे। नारियल का बुरादा और 3 से 4 चम्मच भर के यहाँ पर हम मिल्क पाउडर डाल लें, कोई सा भी ले लें मिल्क पाउडर। थोड़े से हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है, जो भी आपके पास हो वो ले लें। ज़रूरी नहीं कि सारे ही हों या जो हों आपके पास वो ले सकते हैं। और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, देखिए अच्छे से। और अगर आपको ड्राई लगे ना तो थोड़ा सा दूध इसी में ऐड कर लें। तो सबसे पहले हम इसको मिक्स करके देख लेते हैं, अगर ड्राई लगेगा तो दूध ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं। अगर आपका नहीं गीला सा रहे, ड्राई ड्राई रहे, तो आप थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मिल्क ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि बिल्कुल सूखा सा पेस्ट बन गया है। देखिए कितना अच्छा सा। तो यहाँ पर तैयार है और अब हम इसको ब्रेड में लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर ले ली है ब्रेड, ब्रेड में इस तरीके से लगा देंगे अच्छे से चारों तरफ। इसको हम दूसरी ब्रेड से इस तरीके से बंद कर देंगे, देखिए इसी तरीके से हम सभी भर लेंगे फटाफट से। बहुत ही अच्छी स्वीट बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है।
फटाफट से बन जाती है, बहुत ही टेस्टी। आप ज़रूर ट्राई करें घर पर अपने। कुछ दिनों से मेरे वीडियो नहीं आ पा रहे थे किन्हीं कारण, बस थोड़ा सा हम बिजी हो गए थे इस वजह से, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मेरा वीडियो आप तक डेली के डेली पहुँचे। जब ज़्यादा ही ज़रूरी कुछ काम हो जाता है तो मेरा वीडियो नहीं आ पाता आप तक। इस तरीके से हम सभी भर लेंगे। तो यहाँ पर सारी ब्रेड तैयार हो गई हैं, देखिए बिल्कुल भर के बढ़िया से। तो अब हम इनको चाशनी में डिप करेंगे। तो फटाफट से हमने यहाँ पर एक ब्रेड ले ली है और इसको जल्दी से, ज़्यादा देर तक डालना नहीं है उसमें, इस तरीके से डिप करके निकाल लेना है आराम से। और बुरादे में जो नारियल का बुरादा लिया है इसमें हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से लग गया है और इसको हम साइड से रख देंगे। इसी तरीके से और भी कर लेते हैं फटाफट से सारे। बहुत ही अच्छी स्वीट बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें इसको एक बार। तो ये देखिए यहाँ पर तैयार है, इसको हम थोड़ा सा गार्निशिंग कर लेंगे। तो इसमें हम रखेंगे और थोड़ी सी हम यहाँ पर टूटी फूटी रख देंगे, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है इस तरीके से। इन सभी को हम गार्निशिंग कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। बहुत ही टेस्टी स्वीट बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें इसको। और बहुत ही जल्दी बन जाती है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है, फटाफट से बन जाती है। बस चाशनी बनानी पड़ती है आपको और कुछ भी नहीं। तो आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स के साथ भी इसको गार्निशिंग कर सकते हैं, अगर टूटी फ्रूटी वगैरह हो तो उसके साथ भी कर सकते हो, और ना हो तो कोई बात भी नहीं, स्किप कर सकते हो उस चीज़ को। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी स्वीट्स ब्रेड की यहाँ पर तैयार हुई है, बहुत ही झटपट तरीके से, सिर्फ 5 मिनट लगता होगा। इतनी जल्दी से रेसिपी ये तैयार हो जाती है। अगर कोई गेस्ट आए आपके यहाँ तो आप इसको इजीली बना सकते हैं, और वो उसको बताना भी नहीं ब्रेड की है तो वो जान भी नहीं पाएगा ये किस चीज़ की है या कैसी है। बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।